अंदर जाते ही सब मारा जाता है। मैं हूँ शेर, हिंदुस्तानी गिद्ध, और मैं हूँ पाकिस्तानी शेर। आज फिर मेरी लालटेन तोड़ दिया, चल जला। इन्होंने आज कोई क्रिकेट मैच जीता है क्या? ए, कुछ भी नहीं है। हाँ? तो फिर ये ऐसा क्यों कर रहा है? वो साहब की दीवे शराब की बोतल का असर है। अरे एक बोतल छह लोगों ने पी फिर भी इतना चढ़ गए ऐसे? छह? वहाँ पे तो सिर्फ मंसूर और सदब है, बाकी चार लोग तो चुट्टी में। इसकी तो माँ की परमिशन की, हाथ छोड़ मेरा। चाहिए सर, गोली चलाने की परमिशन नहीं है सर। मिल गई परमिशन। अबे क्या कर रहे हो? कब तक चुप रहेंगे? ये इंडिया को भला बुरा कह जा रहा है। अरे बस कर यार। कौन है? तुम हमेशा कमीनापना दिखाते रहोगे तो हम सहन कर लेंगे क्या? अरे मंसूर, छछुंदरों को भगाने के लिए सारे हिंदुस्तानियों की जरूरत नहीं है। केवल हम मलयाली लोग पेशाब कर देंगे तुम पे तो तुम लोग उसमें डूब जाओगे, समझ में आया क्या ब्लैडी फूल? अरे भाई, इसमें इतना सीरियस होने की क्या बात है? सीरियस के बच्चे? अरे नहीं, लग जाएगा ना यार पागल। क्या हुआ? कल पहला वाला बुलेट हमारे बंकर के अंदर आके लगा तो मेरा लालटेन गया, शूलेस गया है, और पूछता है कि क्या हुआ तुम्हारी? तो सॉरी भाई। तू जाना भाई, इतना सब कुछ करके सॉरी बोलता है? लालटेन में लगा हुआ बुलेट हमारे सर में लग जाता, अगर साले मर जाते तो? नहीं भाई। ठीक है अभी ज्यादा नाटक मत करना, इतना नाटक करके सेंटीमेंट दिखाता है। हिंदुस्तानी भाई साहब माफ करना, आपके हवलदार साहब के लिए नीचे से 555 सिगरेट मंगाया है, ये देखो। हवलदार साहब आ रहे हैं, आज मूड बहुत खराब दिख रहा है। सिगरेट उसके बाप को ले जाके देने को बोल, साला मेरे साथ ड्रामा करता है। हवलदार साहब को नहीं चाहिए तुम्हारा सिगरेट। मैंने कह दिया सर। ऐसा मत बोलो ना भाई, ले लेते ना साहब, ताकि वो फिर से शराब मांगे। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, पूरा कार्टन है भाई। शू का लेस भी है, फुल कार्टन है सर। तो फिर उसे इस तरह फेंकने के लिए बोल, मैंने कहा ये मत कहना। फेंको फेंको, इधर फेंको, ये ले भाई। सर हमारे बोतल के बारे में बोलो ना प्लीज। अबे आगे मत आना, एलओसी पार किया तो भून के रख दूंगा। अरे नहीं, सॉरी भाई, सॉरी भाई, सॉरी भाई। डर गया बेचारा, छोड़ दो साहब, चल चल फेंक दे, फेंक दे। नहीं सिगरेट है, ओरिजिनल है क्या ये? और क्या, पिछली बार आपको जो मिला था वो मैंने तो दम लगा के खत्म किया था। क्या? सॉरी सर। उसे नीचे उठा। इसे अगर तूने हाथ लगाया ना, चाको वो 50 रुपीज कीमत वाला 2 बोतल रम लेके आना। और रोजा ओवर, कल उन्हें बोतल दिया तो बहुत परेशान किया, आज रात की नींद भी तो गई समझो। सीनियर का ऑर्डर है ना यार। आदाब आदाब आदाब। इन लोगों की शादी कब है? 20 तारीख को है साहब। रजाक मियां, क्या आप 10 दिन तक रोक सकते हैं क्या? आप लोग बकरियां लेकर बॉर्डर की तरफ क्यों जा रहे हो? साहब नीचे घास खत्म हो गई है, शायद ऊपर मिल जाए। हमारे पिकेट से आगे मत जाना। ठीक है साहब। आदाब आदाब, संभल के जाना। वहाँ जाने के बाद पाकिस्तान की तरफ न चला जाए। चल चल, आने दो आने दो आने दो आने दो, हाँ संभाल के आने दो, पीछे पीछे, हाँ और आने दो, हाँ आने दो आने दो, हाँ रोको 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 रोक, अरे रोक रोको, हाँ आओ छोटू आ जा संभाल के। मैंने आपको कितनी बार समझाया कि मेरा नाम छोटू नहीं है? तुम्हें अब क्या चाहिए? मुझे एक लीवर चाहिए था। ओ ठीक है ठीक है।
आए, ये तो गाड़ी का लीवर है। हाँ, इसे चेक कर देख छोटू। ए, मेरा नाम छोटू नहीं है, मनीष है, मनीष। और तुम तो सिर्फ एक कुक हो, लेकिन मैं तो इंडियन सोल्जर हूँ। लेकिन कोई भी इंडियन सोल्जर राइट हैंड में वॉच नहीं बांधते है ना। हाँ, तुम लोग तो बहुत भोपले हो, दिखने में तो बोमिल मछली की तरह हो। खाना परोसते समय लीवर वाला पीस मेरे हिस्से में आना चाहिए। हाँ। हमारी सेटिंग है। मिलिट्री में यूनियन नहीं चाहिए, सब जल्दी जल्दी खाली करो। अगर डेली में से एक बकरा बनाकर खिलाऊंगा ना, तो भी छोटू की हाइट नहीं बढ़ेगी। छोटू नहीं है, मनीष। मनीष है, लेकिन हाइट के मामले में तू तो फिनिश है। ओ, मैं अपनी जगह ठीक हूँ। छोड़ो छोड़ो, पोस्ट आने का टाइम हो गया। कन्ना साहब, खाना जल्दी तैयार करो। हाँ, लगे रहो लगे रहो। कन्ना साहब को कभी न कभी मजा चखाऊंगा। उसे लीवर चाहिए। कोई फायदा नहीं है, अपनी हाइट बढ़ाने के लिए गले में फंदा डाल के लटक जाओ। हाँ, आप जाओ तुम। तुझे मैं आप देता हूँ। तू कुछ भी बोल यार, मैं नहीं मानता। चिट्ठी आई है तुम लोगों की, नायक अनिल कुमार। अनिल सर बाहर गए, मुझे दीजिए, मैं दे दूंगा। नायक अनिल कुमार। क्या नायक अनिल कुमार है क्या? अरे, एक ही आदमी की तीन तीन चिट्ठी, इसमें अफसोस करने वाली बात क्या है? तीन चिट्ठी एक ही आदमी के नाम, लगता है कोई बिजनेस करता है। स्वामी नारायण। श्याम भाई, मेरी कोई चिट्ठी नहीं है। शशि, तुम्हारी कोई चिट्ठी नहीं है। अरे हाँ मनीष। हाँ। ये ले तेरा। ये तेरे प्रयास को दे दे। वो अस्पताल से कब आएगा ये तो पता नहीं है। अच्छा ये बताओ, कुक कन्ना की कोई चिट्ठी है क्या? हाँ, किस लिए? नहीं, और किसी के लिए नहीं, होती तो फाड़ देता। तुम्हारा और कन्ना साहब का झगड़ा कभी खत्म नहीं होगा क्या? वो कन्ना साहब नहीं, कन्ना लीवर है। तू मुझे कुछ भी नाम दे देता है रे। कन्ना साहब से मैं कन्ना लीवर हो गया? 3.5 फुट से ऊपर हाइट नहीं है तेरी, इसलिए तुझे माफ कर रहा हूँ। ये ले। ओहो, देखा देखा, मिल्कमेड के डब्बे को कन्ना कुक ब्लैक कर रहे हैं। गलत बात मत कर मनीष। फिर तुम्हारे लिए खास करके एक्स्ट्रा क्यों देते हैं? छोड़ ना यार, शादी करके जब तू अपने परिवार के साथ जीवन बिताएगा, तब तुझे भी इसी तरह दूंगा मैं। कल दो लोग छुट्टी पर जा रहे हैं, उनसे कहूंगा इस चुटकू के लिए कोई लड़की ढूंढ दे। आज तुम्हारी ड्यूटी है क्या? हाय नंदिनी। हाय। हाय। प्रकाश को देखो, रुका है। अच्छा, से बात करना चाहता है। नंदिनी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। किस लिए? मुझे 102 डिग्री बुखार है और उस डॉक्टर ने एंटीबायोटिक और पैरासिटामोल दिया है। सिस्टर का ट्रीटमेंट पाने के लिए कल से दोनों बगल में प्याज दबा के रखा है, उसी का बुखार है ये। हाँ, 1-2 दिन एडमिट हो जाऊंगा ऐसा सोचा था। प्रकाश, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम्हें इस तरह बीमार पड़ने की जरूरत नहीं है। ओके। सुनो, अगर इसने कंप्लेन कर दिया ना, तुम्हारा बुखार तो जाएगा, साथ में नौकरी। नौकरी भले ही चली जाए, मगर माँ ने इसे बहू बनाकर लाने के लिए कहा है। तुम्हारी सहेली है ना, थोड़ी सिफारिश कर दो ना। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? प्रकाश, एक बात कहूँ क्या? क्या कहना है? मैं फ्री हूँ। अरे, अरे भाई, क्या सोच रहे हो? 5 दिन हो गए, घर से कोई खबर नहीं। माँ की तबीयत भी खराब है, पार्वती भागदौड़ कर रही होगी। बस वही सोच रहा था, एक चिट्ठी आ जाती, चाहे सुख की या दुख की हो, पढ़ने के बाद सब पता चल जाता। इसलिए यार, अगर एक चिट्ठी से तुम्हें खुशी मिलती हो तो ये लो, इसे पढ़ो। अरे, ये कैसी बेतुकी बात कर रहा है? यार, इस खत में माँ, बहन, भाई, दोस्त सबके हालात, चाहे वो मेरे हो चाहे तेरे, एक जैसे। नहीं, तू जाकर पढ़ ले, जा। दिल को तसल्ली मिलेगी यार। तुम मत पढ़ो, मैं पढ़ता हूँ। सुनो मेरे प्यारे साजन, चिट्ठी आज मिली, उधर आप सब खुशहाली से हैं ये सुनकर खुशी हुई। इधर पिताजी, माताजी और बच्ची खुशहाली में हैं। अब तो घर के फाउंडेशन का काम भी पूरा होने को आया है और ठेकेदार को कुछ सामान के लिए और पैसे चाहिए, मैं उसे अगले हफ्ते में दे दूंगी। माँ को भी सांस की तकलीफ है, आपके भेजे हुए पैसे आने के बाद किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, ऐसा पिताजी ने कहा है। और एक बात बताऊँ, गाय को बछड़ा हुआ है जो बहुत प्यारा है। बरसात आने वाली है और पिताजी को छाते की जरूरत है। चाचा जी ने कहा है कि छाता मैं ला के दूंगा। चाचा जी छाता लाए ना लाए, छाता आप लेके आइएगा। अब और क्या कहें, यहाँ पे सब कुशल से है। आपको मेरी तरफ से ढेर सारा। सुनाता हूँ। अरे, ये सब क्या हो रहा है? डिसिप्लिन भूल गया हो क्या? हेलो शशि,
तेरा मूड क्यों ऑफ है? होने वाली अस्पताल में नर्स है ना, दवा तो होगी। अरे इधर ला, इधर ला, इधर ला, मैं देता हूँ दवाई। इधर ला, क्या कर रहा है? ये ले। क्या हुआ? कुछ नहीं, पाकिस्तान जा रहे हो ना, मेरा दिल घबरा रहा है, जल्दी आना। जल्दी आऊंगा, ठीक है, ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कहाँ थी तू? वो मैं अब्बा जान। पता है एक बकरी गुम है। क्या करती हो तुम? जब भी देखो गायब रहती हो। अब्बा जान ये देखो, देखो इसके मुताबिक पूरा है। बकवास, एक गुम है। आदाब साहब। अरे ताशिर भाई, यहाँ पे कैसे? कल हम बजरंग एरिया में बकरी लेके गया था, शाम को देखा तो एक गुम था, किसी फौजी को मिला हो तो कारगिल का फौज तुम्हारा बकरी ढूंढने के लिए है क्या? जय हिंद साहब। क्या हुआ? कल बकरी लेकर बजरंग एरिया पर गया था साहब, एक गुम हो गया, हमारी फौज का इलाका है साहब। वैसे तासीर के बताए हुए इलाके में हमारा कोई जवान नहीं है ना? ठीक है साहब। ठीक है ठीक है, हम पता करते हैं। जी सर। यस सर, वक्त बहुत है सर, मैं भिजवा देता हूँ। गुड डे सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, तेरा टूर कराता हूँ, तेरी छुट्टी की बात करता हूँ। थैंक यू सर। या मैं कमांडर के पास जा रहा हूँ। यू हैव एनीथिंग एल्स टू रिपोर्ट? कुछ नहीं सर, हमारे बटालियन सेक्टर के अंदर जो तासीर रहता है ना, उसने बताई है कि उसकी एक बकरी गायब हो गई है, हमारे बजरंग एरिया में ही गुम हुई। लेकिन बजरंग एरिया में तो हम लोगों ने इंस्पेक्ट नहीं किया है, देन व्हाई शुड वी बॉदर? सर उसे फिर से ढूंढने कहो, उसी इलाके में रह गया होगा। मेरी कालिया साहब से बात करो। लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया, ओके ओवर। देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ मिसिंग मूवमेंट इन बजरंग एरिया, जस्ट आउट ऑफ एरिया। कैरी ऑन सर। जीआर स्क्वायर 7862। GR square 7862 sir. Give me the patrolling report at the earliest. Roger sir. Roger off. Position mil gaya. Chalo. Okay sir. Move. Move. Move fast. Chalo jaldi. यहाँ तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है। जी सर। उस तरफ हमारा पिकेट है ना? यस सर। वो भी जाकर देखते हैं। ओके सर। चलो। जी सर। Anyway, जल्दी से जल्दी एक बटालियन कॉम्बिंग के लिए भेजो। Also send signal to higher authorities.
मोहम्मद उमर चंगेज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब लोग हमारे कब्जे में हैं। जनरल साहब को बताया क्या? बता दिया। जनरल साहब चाइना से वापस आते ही पर्सनली बात करेंगे। यस सर। इन लोगों ने कुछ बताया? नहीं जनाब। अब तुम लोग मुझे बताओ कि तुम लोगों की आर्टिलरी पोजीशन क्या है। कम ऑन टेल मी। खुद जाके पता कर साले। क्यों? देश प्रेमी गया, अल्लाह को प्यारा हो गया। अब ऑफिसर साहब बताएगा, जरूर बताएगा। हट तू साले, तेरी जात का पैदा मारूं। जो करना है कर, हमारा मुंह नहीं खुलेगा साले। एक सच्चा हिंदुस्तानी तुम्हारे सामने अगर मुंह खोलेगा ना, तो एक ही आवाज निकलेगी। इसकी अभी जरूरत है। आर्मी चीफ होने के नाते तुम्हें सही डिसीजन लेना होगा, बट आई नीड एड सपोर्ट टू। हिंदुस्तानी आर्मी हिल गई क्या? बिल्कुल सर। एक बात है, इस कारगिल लड़ाई से वहाँ के 1,00,000 मुसलमानों को नुकसान होगा सर। तो क्या हुआ? उन मुसलमानों की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, मैं सिर्फ जनरल साहब का हुक्म मानता हूँ। मुझे सभी सिपाही मेरे कमांड में चाहिए, और इस दौरान कोई सिपाही पकड़ा जाता है तो वो ये कहे कि मैं मुजाहिदीन हूँ, वो कभी ना ये कहे कि वो पाकिस्तानी सिपाही है। Is that all clear to all of you? Yes, sir. जी सर। कौन बोल रहा है? सूबेदार फारसी अहमद चार्ली कंपनी से सेकंड जाट बोल रहा हूँ। Where's your CEO? सब। Ask him to speak to me now. ठीक है सब। I'm waiting for his clarification. मैं बताता हूँ सब। Ask him to contact me as soon as possible. ठीक है सब। ठीक है सब। शे, रात भर पलक झपकाने को नहीं मिला, अब ये CEO साहब का कहाँ से पता लगाऊँ मैं? सब। Good morning. Good morning साहब। साहब अभी अभी मेरी हेड ऑफिस से बात हुई है। The war is declared. CEO साहब कहाँ है पता लगाना है सर। अब मैं उन्हें कहाँ से ढूंढू? CEO को भी पता चली गया होगा, मैं उन्हें क्या जवाब दूं? Tell them, Colonel Mahadevan will be on time. So, gentlemen, the moment of reckoning for which a soldier waits his lifetime has finally arrived. You are well aware that Pakistan has violated its 27-year-old Shimla commitment and intruded at number of places to occupy the heights of advantage the position. Now it's time for us and you all to teach them a lesson once for all. Now, may I request General Datta to give his assessment of the situation? Sir, as for our information, Tanami has intruded our territory between the sector starting from Batalik, Dras, Tololing and Tiger Hill. The exact strength is generally known to us and the detailed deployment of the enemy in these heights will be given by the Brigadier Commander. So Krishna, all yours. Right, sir. Gentlemen, this is Batalik. This is Tololik, Dras, Tiger Hills. Number line of control, ये blue mark किया हुआ उधर है। पाकिस्तान और हमारे बीच शिमला समझौते के मुताबिक heavy snowfall खत्म होने तक LOC के पास picket पर कोई नहीं रहेगा। अगर कोई भी हरकत करता है, इंडिया हो या पाकिस्तान हो, वो शिमला समझौते के विरुद्ध होगा। इसलिए हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट और ग्राउंड रियलिटी को देखें तो इस picket को पाकिस्तान का मुजाहिदीन ग्रुप अपने कब्जे में ले चुका है। Well, Krishna, in your perception, what is the assessed enemy centers at various locations? Sir, Batalik 7 to 10, Tololing 5 to 10, Dras 5 to 10, and Tiger Hills 6 to 8. Total around 5,200. Please, so Krishna, why did you not handle the situation so far? And what is the situation of Lieutenant Kalia and his patrol?
he is missing. Krishna, what happened to first Naga? Why did they return with such heavy casualty? Fine, sir. As for your order, I am launching second Jat and 18 Grenadiers on Tololing and Dras. Sir, now I will ask CO second Jat the brief of final attack. मेरे आई सर, प्लीज माही। इंडिया और पाकिस्तान की जनता को आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाने की आवश्यकता है, पर पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल के इशारों पर ही यह षड्यंत्र रची गई है जो हम लोग कारगिल सेक्टर में अनुभव करेंगे। पाकिस्तानी जनरल डजंट वांट हिज फ्रेंडशिप टू हैपन। इसी एक कारण की वजह से इंडियन प्राइम मिनिस्टर जब पाकिस्तान गए थे तब उन्होंने यह फंक्शन अटेंड नहीं किया था। जब कारण पूछा गया तो मैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर को सैल्यूट नहीं करूंगा, यही था उनका जवाब। That shows his hatred towards our country. That is not important. Sir, please. एक वॉर स्ट्रेटेजी प्लान करने से पहले दुश्मन के उद्देश्य को जानना जरूरी है। इस युद्ध से पाकिस्तान क्या चाहता है? That's the point I am coming to. टोलोलिंग में बैठकर पाकिस्तान हर किसी को कंट्रोल कर रहा है। NH1 जो एक ही रास्ता है कारगिल और सियाचिन की जनता और आर्मी की सप्लाई ले जाने के लिए। साल में सिर्फ 4 महीना ये सप्लाई चलती है, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त। इन 4 महीनों में पाकिस्तान NH1 डील ब्लॉक करेगा, आने वाले साल का स्टॉक भी नहीं हो पाएगा। ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट को पाकिस्तान के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। इसका फायदा उठाकर पाकिस्तान कारगिल के बदले कश्मीर मांगेगा। अगर ऐसा हुआ तो हमें कश्मीर या कारगिल खोना पड़ेगा। इतना बड़ा स्ट्रेटेजी प्लान किया हुआ पाक मिलिट्री जनरल 8-10 मुजाहिदीन को नहीं भेजेगा। What enemy strength are you expecting, Mahi? I'll explain. Sir, Vatalik around 200 to 300, Tololing around 300 to 600, Dras 300 to 800, Tiger Hill 400 to 600, and around 600 in Maskoling. Sir, Pakistani army ne hamare sare ilake ko kabze mein liya hai. So we have to mobilize to core level attack. We need RT and air support. वहाँ पर भी एक सवाल है। लेफ्टिनेंट कालिया एंड ग्रुप पाक कैंप में कैप्चर हैं। हम लोग RT और एयर फोर्स यूज करेंगे। कारगिल की पूरी जानकारी मिलने के बाद आवर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी टू कैप्चर टोलोलिंग। गुड। अटैक विल स्टार्ट फ्रॉम टुनाइट ऑनवर्ड सर। वी कैप्ट क्लियर। कैन आई लीव नाउ सर? माय वेल डन। Remember, you are the commanding officer. If anything happens to you, the morale of the troop will go down. You are a colonel now. Behave like one, not like a major. Sir, कश्मीर के लिए पाकिस्तान का रचा हुआ यह चौथा युद्ध है। अपने मिलिट्री के साथ खरीदे हुए किराए के टट्टों को हमारे जमीन के अंदर घुसाकर चाइना में फ्लाइट से गए पाकिस्तानी जनरल का उद्देश्य ही कुछ और है। Right. रैंक में भले ही मैं छोटा हूँ, but I am a hard core soldier, sir. I will do anything for my country. Good day, sir. Good day, Mahi. All the best. Rascal, he will not change. हाँ, मैं बोल रहा हूँ। तुम जीजाजी से कहकर उस फिल्म को एडिट करने के लिए बोलना। जीजाजी मैक्सिमम काम संभाल लेंगे, बाकी ये काम तुम संभाल लो। हाँ ठीक है। ओके ओके ओके। अभी हम लोग फ्रंट पे जा रहे हैं, बाद में फोन करता हूँ। ओके चलो। मैं सब संभाल लूंगा। जय हिंद साहब। जय हिंद साहब। जय हिंद। सब तैयारी हो गई साहब? राम राम साहब। राम राम। हेलो। हाँ माँ, फारसी। बेटे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा जंग शुरू हो गया क्या? हाँ, 10 साल हुआ मुझे फौज में आए हुए, अब जाके मुझे देश के लिए कुछ करने का मौका मिला है। बेटा अपना ख्याल रखना। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है माँ, आज नहीं तो कल तुम फक्र से कह सकती हो कि मेरे बेटे ने इस देश के लिए क्या कुछ नहीं किया है। बेटा फोन करते रहना। माँ मैं तुम्हें फोन नहीं कर पाऊंगा, वैसे भी बहुत सारे लोग फोन करने के इंतजार में। माँ दुआ करना है। या अल्लाह मेरे बेटे की हिफाजत करना। या अल्लाह हमारे देश को बचाना, ये दुआ माँ। देश की हिफाजत करना। हाँ माँ मैं फोन रखता हूँ। ठीक है। जय हिंद साहब। जय हिंद। राम राम साहब। राम राम।
हेलो लक्ष्मी, मैं हूँ। ओह, क्या चल रहा है? कुछ नहीं, तुमसे बात करने को जी चाहा। यू वांट ओनली माय वॉइस, सुन लिया ना? और क्या कहूँ, यू टेल मी, मेरे साथ जिंदगी गुजारना चाहते हो या फिर? ये मेरे अकेले की बात नहीं है, आर्मी के कैप्टन से इस तरह की बातें मत करो। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू रिजाइन एंड जॉइन मी। उसके लिए रिजाइन करना जरूरी है क्या? मेरे से ज्यादा प्यारा यूनिफॉर्म है, देन डोंट रिजाइन। लक्ष्मी छोड़ो, ये सिर्फ तुम्हारा ईगो है। नॉट ओनली माय ईगो, इट्स टिपिकल मेल शोवेनिज्म। ओके लिविन, बाय। जानते हो, दाएं हाथ में घड़ी बांधने की वजह से हमारा छोटू ट्रिगर दबाते समय टाइम तक नहीं देख सकता। एक मजदूरी करने वाला पिता अपने इकलौते बेटे को बड़ी तमन्ना से 10वीं क्लास तक पढ़ाता है, पर जानते हो असलियत क्या है? वो सिर्फ 5वीं तक पढ़ा है। उसके पिता ने उसे बड़े प्यार से घड़ी खरीद कर दी, इसलिए वो उसे अपने दाहिने हाथ में बांधता है। अभी तुम भी मेरा मजाक उड़ाने लगे? मेरे पिता का दुलार तुम क्या समझ पाओगे? मिलिट्री की वर्दी पहन के आते समय रास्ते का खर्च देने के लिए भी उनके पास कुछ भी नहीं था, खुद को गिरवी रख के मुझे भेजा है। बेचारे मेरी पहली तनख्वाह लेने तक भी इस दुनिया में नहीं रह सके। मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा, मिलते तो बुरा मान गया यार। ए स्वामीनाथन, गिनती सीख रहा है क्या दुश्मनों की लाश की गिनती करने के लिए? अरे बाबा चुप कर, मुझे देखने दे। अरे तुम लोग नहीं समझ पाओगे, घर बनाने के लिए इंसान को कितना मेहनत करना पड़ता है। घर बनाने के लिए इंसान को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, 4-5 साल के बाद तुम लोग भी। ये लो, जंग पर जाने वाले सिपाहियों के लिए प्लान का सैंपल, सबके लिए। तुम लोग बहुत आराम कर चुके, आज से मुझे करना है। एक से पेट नहीं भरेगा क्या? एक और दो ना। अरे मेरा भी नाश्ता ला यार, चपाती घी और शक्कर। एक बात सच सुन लो, ये पूरा 2 दिन का कोटा है, मैं तो यही रहने वाला हूँ। रहना भी चाहिए, हम लोग जब जंग से लौटेंगे तो स्वागत के लिए हमारी अर्थी का मुँह में जो अनाप शनाप आता है बक देता है। ऐसा मत बोल, तुम लोग जब छुट्टी पर गए थे तो औरों की अर्थी पर मैं ही रोया था, तुम लोगों की अर्थी उठने से पहले मेरी अर्थी उठेगी। बात करता है। सीओ साहब सबको ब्रीफ के लिए बुला रहे हैं, चलो जल्दी जल्दी आ जाओ चलो। मेरे वीर जवानों, जाओ। आज मैं तुम लोगों के सामने कुछ मांगने नहीं आया, ना ही कुछ कहने आया, लेकिन एक बात याद दिलाने आया हूं। आई एज ए कमांडिंग ऑफिसर, ये मेरा फर्ज बनता है। दुश्मन हमारे इलाके में घुसकर हमारे पिकेट पर कब्जा कर चुका है। वी गॉट टू गेट इट बैक फास्ट, वापस लेना है उनसे वो जगह। वापस लेने के लिए हम में से बहुतों को कुर्बानी देनी पड़ेगी। मैं ऐसा कोई हुक्म नहीं दूंगा जो मैं पालन नहीं कर सकता। तुमसे आगे मैं रहूंगा, मैं अकेला ये युद्ध नहीं जीत सकता, मेरी बटालियन जीतेगी। जीतेगा। टोलोलिंग वापिस लेने तक कोई रुकेगा नहीं। अपनों में से भी बहुतों की लाशें गिरेंगी, उनके लिए आंसू बहाने में वक्त मत गवाना। सेव ईच ड्रॉप ऑफ टीयर्स टू फाइट। आज सारा देश हमारे पीछे खड़ा है, उनका विश्वास नहीं टूटना चाहिए। अपनों रिश्तेदारों को भूलकर एक ही विचार से आगे बढ़ना है कि मेरा देश खतरे में है, बस और कुछ नहीं। बोलो सब तैयार हैं? तैयार है सर। तो बोलो तकबीर है नारा, अल्लाह हू अकबर, वंदे मातरम। क्या नाम है तेरा? रज़ाक। पाकिस्तान में क्या कर रहा है? ये पाकिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान है। एक मुसलमान होते हुए हिंदुस्तानी बोलने में शर्म नहीं आती? बोल, मैं पाकिस्तानी हूँ। मैं मुसलमान जरूर हूँ लेकिन मैं हिंदुस्तानी हूँ। मनीष सर, व्हाट इज दिस सर? नो, जंग के समय ये सब बाधा आ सकती है, बट एज ए सोल्जर यू आर नॉट सपोज टू टच एनीथिंग। सर ये मेरे लिए नहीं। जाकर दे दो सर। रो मत बेटा, लेकर जाओ। हाँ जाओ, बाय बाय, टाटा, बाय।
आप इस तरह क्या देख रहे हैं स्वामी भैया? हाँ, ये घर बसाने में कितनी तकलीफ होती है। उसी घर को जब छोड़ना होता है तो कितना कष्ट होता है। आइए चलते हैं। हाँ साहब, आपने मुझे पहचान लिया? क्यों नहीं, कैसे भूल सकता हूँ। विक्रम सर, ये हमारे बहुत पुराने इन्फॉर्मर हैं। देश के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है। ठीक है सर, टेक केयर ऑफ देम सर। ये सलमा तो मानती नहीं साहब। रो मत बेटा, रो मत। कर्नल साहब, जब तक मेरा रजाक नहीं आएगा मुझे कहीं लेकर मत जाओ। मगर बेटा, यहाँ पर खतरा है, है? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मजबूर मत कीजिए। रो मत बेटा, रो मत। रजाक मेरा बेटा है, वो पाकिस्तान गया है। क्यों बेटा, फौजी बनेगा? हाँ, हाँ साहब। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फिराक, खुदा हाफिज। थैंक यू सर। Good morning, sir. I see 42978 Whiskey. Major Jari Prem Raj reporting, sir. OP officer for your battalion, sir. Mahi, यही है Jari Prem Raj. Malayali है. Trivandrum के रहने वाले हैं. Take care of him. Okay. Keep the spirit, man. See you, buddy. So, Jari, we are going to be together for this matter. It's my honor, sir. Lieutenant Kalia और उसके group की report मिलने तक हमें उस इलाके के लिए कूच करना पड़ेगा. Sure, sir. वो जिंदा है या नहीं है पता चलने के बाद ही हमें फुल फायर करना है या नहीं ये तुम देखोगे। बट सर, विदाउट आरटी उस पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल काम है। आई नो, इस समय पाक पोस्ट में आरटी यूज करेंगे तो कालिया अगर जिंदा है दैट विल बी डेंजरस, सो जस्ट बी इन कांटेक्ट विद अस। एज यू विश सर, मैं एडवांटेज पोस्ट से आपसे रेगुलर कांटेक्ट में रहूंगा। ओके, मे आई लीव नाउ सर? यस सर। जय हिंद सर। जय हिंद साहब। सिपाही दलजीत का पिताजी आया है। सत श्री अकाल साहब जी। आप यहाँ? साहब जी, मैं ट्रक चलाता हूँ, एक लोड डीजल कारगिल के लिए मिल गया तो फिर हमने सोचा कि चलो आ गया। बेटी से मिल लेते हैं। कैसा है पुत्र? अरे बेना पापा जी, तू तो बड़ा चंगा लग रहा है। पुत्र, तेरी माँ ने तेरे वास्ते ये लड्डू भेजे हैं। लड्डू माँ ने? हाँ, ले। साहब जी आप भी एक शोर बहुत वधिया ने। माँ दी याद आ रही है? ना ना पुत्र, जिस दिन तू ये वर्दी पहनकर लड़ाई के मैदान में उतर गया ना, उस दिन से किसी की याद नहीं, बस धरती माँ की याद। देख पुत्र, अगर तू इस धरती माँ की रक्षा करेगा ना तो तुम्हारी माँ जैसी हजारों हिंदुस्तानी माँ और बहनों की रक्षक बन गया। और इस दौरान अगर मौत भी तुम्हारे सामने आएगी ना तो पुत्र डरना मत, लेकिन तू अपने देश की रक्षा के लिए जान देगा ना पुत्र? जे तू तिरंगा में लिपट कर कराएगा, सारी दुनिया तेरे लिए रोएगी, तेरा बापू तुझ पर गर्व करेगा। पुत्र, मैं आंसू बहाकर तेरी कुर्बानी को बेइज्जत नहीं करूंगा। पुत्र जा, वाहेगुरु तेरा और तेरे साथियों की रक्षा करेगा। चल दा पापा जी, जा पुत्र जा। आप जैसे बाप को हर एक फौजी की तरफ से प्रणाम। रब रक्षा करे साहब जी। वाहे गुरु जी की खालसा। वाहे गुरु जी की फतेह। माही, युद्ध में साथ कवर कर रही लेडी फोटोग्राफर सरिया दत्ती ने आपके बटालियन को गंभीरता से अटेंड किया है,
एक औरत इतनी साहस से आगे बढ़ते हुए। ये साहस की वजह से नहीं, वो अपने आप को ज्यादा होशियार समझती है, इसलिए मैंने मना किया। रात में इंडियन सोल्जर के साथ हेलमेट और जैकेट पहनकर उस लड़की ने पाकिस्तान की बटालियन की तरफ कैमरा फ्लैश करके बंकर उड़वाया है। खुद हादसे की जिम्मेदारी को मानने के बजाय हमारे सोल्जर्स को दोषी ठहराते हुए प्रोटेक्शन नहीं दिया कह के पीएम से कंप्लेंट करके बहुत परेशान किया है उसने। उस फ्लैश को देखकर पाकिस्तानियों ने हमारे चार सिपाहियों को मार गिराया। वो जर्नलिस्ट जो कर रही है वो मरने वाले चारों परिवारों के आंसुओं से बढ़कर नहीं है। वॉर फील्ड में हमारे साथ रहने वाले कितने जर्नलिस्टों की हम लोग सुरक्षा करते हैं, लेकिन कोई भी मर जाए पर्सनल पब्लिसिटी पाने के लिए कोशिश करने वाली सरिया दत्री जैसी नॉनसेंस को अवॉइड करना ही होगा। आई एम सॉरी सर, लेकिन उसे अपने बटालियन के आसपास भी भटकने नहीं दूंगा। सर, पाकिस्तान की तरफ से हमला शुरू हो गया, ऐसा रिपोर्ट आया सर। सो गेट रेडी फॉर द ब्रीफिंग। विक्रम फटाइगर। सर, विक्रम ऑनलाइन। बोलो विक्रम, क्या हुआ, वहां का क्या हाल है? सर, तोरिंग पहाड़ी के ऊपर एक कंपनी है सर, पाकिस्तानी आर्मी है सर। वी आर आर्मलेस सर। एनी कैजुअल्टीज? वो लोग पूरी तैयारी में है सर, अभी ऊपर जाने में मुश्किल हो रही है सर। वो लोग चारों तरफ से हमला कर रहे हैं सर। ओके, आई एम कमिंग। सर प्लीज, आप यहाँ बताइए सर, आई विल हैंडल इट सर। आज रात तक उन्हें यहाँ से भगा दूंगा सर। आपको यहाँ आने पर खतरा हो सकता है सर। Shut up! I know that you're trapped. सुबेदार फारसी तुम्हें कवरिंग फायर देगा। You come down to safe place. I will come there and relaunch the attack. Okay? चलो। सर, मैं यहाँ से कवरिंग फायर देता हूँ, आप सब नीचे चलिए सर। फोर्सी साहब, एक ऑफिसर को ऑर्डर मत दीजिए। आई विल गिव द कवर फायर। फोर्सी साहब, गो बाय। नो, सिर्फ मत कीजिए, फोर्सी नहीं जाएगा। मैं आपको हुक्म देता हूँ, आई एम एन ऑफिसर, अगर आपको कुछ हो गया तो मुझे कुछ नहीं होगा। साहब जाइए यहाँ से प्लीज। देखिए, आप जाइए, आपको देश के लिए कुछ करने के लिए बहुत मौका मिलेगा सर। तुम आगे धर दो, आप जाइए। सीओ साहब का ऑर्डर है कि मैं यहाँ पे रुकूं। जाइए, माफ कर दीजिएगा, आज मैं आपका ऑर्डर नहीं मान सकता। सर चाहिए, अगर मैं बचकर आ गया तो आप मेरा कोर्ट मार्शल कर दीजिएगा। ग्रुप को वापस लेकर जाइए सर, जाइए, अब जाइए यहाँ से सर, जाइए प्लीज, जाइए। चलो चलो। छोटी पहाड़ी इज कैप्चर्ड। एनी कैजुअल्टीज? यस सर, कैजुअल्टीज आर कमिंग डाउन टू द बेस।
सर, वायरलेस से बार बार फोन आ रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है सर, शायद कोई एयरफोर्स का ऑफिसर है। सी यू सेकंड चार्ज, कर्नल महादेवन हियर। सर, आई एम स्क्वाड्रन लीडर अजय फ्रॉम चंडीगढ़ स्क्वाड वन बेस। मेरा प्लेन क्रैश हो गया सर, मैं घिर गया हूँ सर। अजय, टेल मी द पोजीशन। एज फॉर माई जजमेंट, मैं अपनी पोजीशन नहीं बता सकता, मैं ट्रैप हो गया सर, मेरे पास सिर्फ 10 सेकंड है। अजय, अजय कम ऑन। एक इंडियन सोल्जर को पकड़ना इतना आसान नहीं सर, वो मुझे कैप्चर नहीं कर सकते। स्क्वाड्रन लीडर अजय विल नॉट सरेंडर। आई लव माय कंट्री मोर देन माय लाइफ। जय हिंद। अजय, इन्फॉर्म द एयरफोर्स सर। What is happening, Mahi? This is... हम लोगों ने 36 फीट तक अपना जमीन कब्जा कर लिया सर। 36 फीट में इतनी कैजुअलिटी? सर, 13,000 फीट तक एक एक फीट चढ़ते समय बगैर सांस लिए तकलीफ झेल रहे हैं हमारे जवान। अगर ऐसी तकलीफें होती रही तो इस तरह की कैजुअलिटीज होती ही रहेंगी। This is too much, Mahi. सर, नियंत्रण रेखा लांघ कर हमारे पहाड़ों पर कब्जा जमाए हुए मोर्टार हमले और आरटी फायरिंग के बीच से हमें गुजरना पड़ रहा है। लेफ्टिनेंट कालिया के मिलने तक हमें आरटी फायरिंग को झेलना पड़ेगा। श्रीमान, 8 जवान शहीद, 18 जवान घायल। जय हिंद सब। ऐसी आइडेंटिटी और भी आएंगी सर, मरने से डरते नहीं, पलटवार करके अपनी धरती वापस लेने के ही ये जज्बात है। अगर यही हमारा अंत है, सैनिक नियमों में जो आखिरी सलामी है गन सैल्यूट लेकर इस देश पर शहीद होने का हमें अभिमान है। इनमें पहले शहीद कौन हुआ ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इस तरह शहीद होने वाले वीरों का धैर्य और वीरता के लिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के करोड़ों लोगों की दुआएं हमारे साथ है, तो हम जीत के दिखाएंगे सर। सो द बैटल स्टार्ट्स नाउ। मेरी ड्यूटी वहाँ नहीं है, दोनों सेक्टर के बीच में है, मैं क्या करूँ? ए, तू बिल्कुल पागल है, ही इज रियली इंजर्ड, एक बार उससे मिल तो ले। मुझे और भी काम है, मैं चलती हूँ। प्रकाश, या, मैं शायद कुछ और मांगता तो वो भी मिल जाता। अभी मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। इस बार प्याज रख के बुखार चढ़ाने जैसा नहीं है। मेरा एक पैर चला गया, किसी तरह मैं बच गया। इसमें शायद पिछले जन्म का कोई पाप होगा जो मेरा पीछा कर रहा है, जिसकी वजह से ये सब हुआ। अभी भी मजाक करने की आदत नहीं गई तुम्हारी? हाँ, अब तो मैं खुद ही मजाक बन गया हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ।
उसके लिए भी मेरी जिंदगी यूजलेस थी। मैं किसी लड़की से ऐश के लिए शादी नहीं करना चाहता था, बल्कि मेरी माँ की जिद थी। इसलिए मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, पर मेरा प्यार सच्चा है। लेकिन अब मैं किसी लायक नहीं रहा। बिना पैर का सिपाही फौज में आखिर कर क्या सकता है? इसी दुख में तड़पते हुए ये जिंदगी तो कुछ दिन लोगों की वाहवाही बटोरते हुए बीत जाएगी। बचपन में चाय की दुकान में काम करता था, सब लोग मुझे गोलगप्पा कहके चिढ़ाते थे। यही सब सोचकर मैं तन्हाई में बैठा आंसू बहाता रहा। आई एम सॉरी, आई हर्ट यू, सॉरी। जिंदगी में हर किसी को दुख तकलीफ तो आती ही रहती है। माँ बाप के अलावा हम सब पांच भाई बहन हैं, इसलिए मैंने अभी तक अपने लिए कभी सोचा ही नहीं। लेकिन अब मैं सच्चे मन से कह रही हूँ, प्रकाश, अगर तुम मुझे सचमुच प्यार करते हो तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझूंगी। प्रकाश, क्या मैं तुम्हारी मम्मी से ये बात कह सकती हूँ? साहब सरस सोच। Shut up! पिछले 52 साल से हम इन्हें सहते आ रहे हैं। अब तक कितने हिंदुस्तानी जवान शहीद हो गए जानता है तू? हम लोग इसलिए तुम दबा कर बैठे हैं, नहीं तो इतने भी शरीफ नहीं है ये। साहब इतना गर्म क्यों होता? उन लोगों का इरादा क्या है उन्हीं लोगों से जानना है मुझे। सर, सर प्लीज, सर 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 मत करो। हराम ज्यादा बाहर आ जा, हिम्मत है तो सामने आके लड़। कम ऑन, कम आउट। सर छोड़ मुझे। माफ करना भाई, ये जंग हमने नहीं छेड़ी है, ये तो हमारे जनरल साहब का दिमाग खराब हो गया है। इसमें हम क्या करें, हुक्म तो मानना ही पड़ता है। तो क्या जंग हमने शुरू किया? क्या हमने शुरू किया क्या? ए भाई, गुस्सा मत करो ना। जब आप गुस्से में बोलते हो हमें समझ में आता नहीं है। हिंदी में बोले ना प्लीज। नहीं बोलूंगा बे। सर, इन लोगों के जंग छेड़ने की वजह से मेरी छुट्टी कैंसिल हो गई। आज मेरी बेटी की शादी है, लगन मंडप में होना चाहिए था मुझे। इन लोगों की वजह से जंग के मोर्चे पर हूं मैं, इन्हें गोली से भून देना चाहिए। कसम से मार डालूंगा, एक हिंदुस्तानी फौजी का वादा ही है। रुको, क्या है? एक बात करनी है तुमसे भाई, मेरी बात सुन लो ना। क्या बात है रे? तेरी कोई बात नहीं सुननी मुझे। अब तुम्हें जो करना है करो, और मुझे जो बोलना है मैं बोलकर ही रहूंगा। हम पाकिस्तान के लोग भी यह जंग हरगिज नहीं चाहते। पता है, जब मैं छुट्टी पर घर जाता हूँ तो मेरी अम्मी मुझसे पूछती हैं कि बेटे ये हिंदुस्तान के फौजी कैसे होते हैं? तो मैं कहता हूँ, अम्मी अच्छे होते हैं, हमारी तरह ही होते हैं। ये सब तो जनरल मुशर्रफ का गंदा खेल है। हम पाकिस्तानी फौजी भी तुम्हारी तरह हुक्म मानते हैं, बस। सर, आज वाकई में ये भी बहुत दुखी है। कल इसने मुझसे बात की थी। पता है सर, इस युद्ध में मरने वाले पाकिस्तानी सिपाहियों पर मुजाहिदीन नाम का स्टैंप लगाया जाता है, और मरने के बाद उनकी बॉडी को परिवार को भी नहीं सौंपा जाता।
सब पैसे जो मैंने जुटाए हैं सब घर भेज दूंगा, फिर रंग रोगन के और सारे काम पूरे हो जाएंगे और हम नए घर जाएंगे। हाँ यार, सर आज की रात हम इस इलाके पर अटैक करेंगे, यहाँ पर। कर्नल महादेवन। यस। आई एम वर्मा, जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। यस सर। इट्स 52 and 84। मैं समझा नहीं। अब तक हमारे 52 और उनके 84 लोग मरे हैं ना। आई एम सॉरी सर, मैं इस दरमियान स्कोर बोर्ड नहीं देख पाया। अगला ताबूत का लॉट तुरंत पहुंच जाएगा, सब इटली से इंपोर्ट किया सर। वेपन्स खरीदा जाता है ये तो मैंने सुना है, लेकिन ये पहली बार शव पेटियां। सर ये कॉफिन बहुत घटिया है, मेड इन इटली का इसमें नाम छपा है। इसमें बॉडी सुरक्षित रहेगी? आई डोंट नो। व्हाट डू यू मीन सर? 24,000 feet ऊपर लड़ने वाले सिपाहियों का जूता खरीदने में धोखाधड़ी किया जाए तो चलो उसमें कोई दुख की बात नहीं है सर, लेकिन हमारे जिगर में जो जज्बात का शोला है, इस देश के खातिर शहीद हुए सिपाहियों की विदाई में आखिरी जरूरत 6 feet की एक शव पेटी चाहिए, क्योंकि उनकी बॉडी सड़े या गले नहीं, ताकि उनके रिश्तेदार उनके आखिरी दर्शन कर सके। लेकिन आप लोग उसमें भी जेब भरते हैं, प्लीज सर। महादेवन तुम्हें इस तरह की बातें मुझसे नहीं करनी चाहिए। शू है या शव है उसे नष्ट होना ही चाहिए। सियासती लोगों के मन में एक जवान के प्रति कितनी हीन भावना है। तुम्हारे हरेक मंत्रियों की छोटी छोटी फैसिलिटीज को कैंसिल होने के बाद भी तुम पास करा लेते हो, उन्हें पनिशमेंट देने के बजाय वो रीऑर्डर पास हो जाता है। सर रूल बनाने वाले 4-5 सालों में फिर से लौट के आ जाएंगे, लेकिन आप लोग तो नहीं बदलते ना। महादेवन We are not soldiers like you. We are bureaucrats. You said it, sir. देश के लिए एक बूंद भी खून ना बहाने वाले आप लोग, इस देश के लिए खून बहाने वाले हमारे जैसे सिपाहियों का पगार तक निकल जाते हो। सच्चाई ये है कि आप लोग जान नहीं देते सर। हम फौजियों के लिए किसी राष्ट्रीय पार्टी की तरह कोई झंडा नहीं है, हमारे लिए एक ही झंडा है, देश का झंडा। कर्नल महादेवन यू आर क्रॉसिंग द लिमिट। मैं कौन हूँ तुम्हें शायद अच्छी तरह से मालूम नहीं। मालूम होने से पहले तुम यहाँ से चले जाओ तो अच्छा है। यहाँ पर चलते हुए बुलेट को तुम्हारी तरह टेढ़ा रास्ता नहीं चाहिए, बल्कि वो सीधे रास्ते से निकलता है। अगर वो लग गया तो शव पेटी में आपको भेजना पड़ेगा। फारसी सर, इन लोगों से ये जैकेट और हेलमेट उतार कर रख लो। ओके सर। तो लेफ्टिनेंट साहब का जोश ये हिंदुस्तानी फ्लैग है, इसीलिए वो नहीं खोल रहे। चला दो उसको। कैंप में ले जाओ। ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही बचा है। कोई बात नहीं, 4-5 दिन हो गए हम सबको खाना खाए। कल तुम लोग जब आओगे तो खाना तैयार मिलेगा। बेचारे अनिल के बारे में बहुत अफसोस हो रहा है, भले मजाक में ही हो उसने कर दिखाया। मैं जाकर उसका कॉफिन डिस्पैच करता हूँ। ठीक है भाई। लेटर। सब तैयार हैं? जय हिंद साहब। सर आपके लिए चिट्ठी है।
यह चिट्ठी अनिल कुमार की है। उनके लिए अब चिट्ठी की जरूरत नहीं है, ये लो इसे उनकी पेटी में रख दो। लक्ष्मी की चिट्ठी है ना, हाँ पढ़ोगे नहीं क्या? क्या पढ़ूं सर, सर पर कुछ समझ में आएगा नहीं, ऐसा होगा लेटर। चले सर। ओके गार्ड्स मूव। ओके सर। चलो चलो जल्दी करो, चलो जल्दी। ये लो पकड़ो। मेरे बेटे को मिल्कमेड बहुत पसंद है, जब वो इसे देखेगा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। इसीलिए उसकी खुशी के लिए मैं ये गलती कर रहा हूं। चंदर जा। सर श्रवण इज ऑन द लाइन। क्या हुआ श्रवण? सर मैं रेडियो ऑपरेटर श्रवण बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलो। सर सर मुझे डर लग रहा है सर। सर यहाँ पे कोई नहीं है सर, यहाँ पे फायरिंग हो रही है सर, मेरा क्या होगा सर? तुम हिम्मत से डटे रहो, मैं आ रहा हूँ। ऑल स्टेशंस फायर ऑन पोजीशन जस्ट अबव पिंपल एरिया, ओवर। श्रवण श्रवण सर, आप यहाँ बताइए सर। सर चुप रहा तुम, आ रहा हूँ मैं। बताइए सर। सर यहाँ चारों तरफ दुश्मन ने घेर लिया है सर, बहुत खतरा है सर, मेरा क्या होगा सर? मुझे अपनी बीवी से मिलना है सर। तुम घबराओ मत, अपने बीवी से जरूर मिलोगे, आने वाले बच्चे को जरूर देखोगे। मुझे नहीं लगता सर कि मैं उन्हें देख पाऊंगा। आप वहां जाकर मेरे बच्चे को गोद में लेकर उनसे कहिएगा कि तुम्हारा बाप बहुत बहादुर था। तुम बहादुर हो श्रवण। श्रवण बात करो, श्रवण श्रवण। सर कमांडर ऑनलाइन। आप कहेंगे ना सर? सर कमांडर ऑनलाइन। सर माही हियर। सर सिपाही श्रवण जख्मी हो गया है। मुझे सारी रिपोर्ट मिल चुकी है माही। ऐसी हालत में श्रवण की बॉडी पाने के लिए डोंट टेक रिस्क। मेरी बात मानो माही। नो सर, महादेवन श्रवण को मैंने वचन दिया है। डोंट वरी अबाउट माई ट्रूप सर, आई एम गोइंग अलोन। नो
You will not go. I'm sorry, sir. I am the commanding officer of that boy. उसके दम तोड़ने से पहले मैं उसे मिलकर रहूंगा. He is dead. Mahi, coming over. Mahi, come and over. Tiger 461, over. 61, okay, over. Tiger 461, launching attack on Pimple area. Gate reference 568-42651. Target registered. Time now is to 135 hours. I repeat, to 135 hours. RT fire front from 2145 hours to 2155 hours. Over. Roger, sir. Battery target. Direction 230 degree. Elevator 230 degree. Fire! सर, मैं जानता था अब जरूर आएंगे. गॉड, माही, हमेशा सीनियर्स की बात सुना करो. मुझे पता था कि वो शहीद हो चुका है. इतना रिस्क उठाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? नो सर, यू आर रॉन्ग. जब मैं वहां पहुंचा तो श्रवण नहीं मरा था. उसने दम तोड़ने से पहले क्या कहा था जानते हैं? मैं जानता था सर आप आएंगे. उसे मुझ पर पूरा विश्वास था. इट वॉज हिज फेथ ऑन हिज कमांडिंग ऑफिसर. उसी विश्वास को मैंने साबित किया. एक्सक्यूज मी. मैंने फैसला कर लिया है सर. देश के प्रति मेरा फर्ज और राजेश से मेरा प्यार, अब ये दोनों को साबित करने का अच्छा मौका है सर. मैंने यहाँ पर ट्रांसफर करा लिया है सर. आई एम सो हैप्पी टू ज्वाइन आउट हियर एज अ मेडिकल ऑफिसर इन योर बटालियन सर. बाय द वे, वेयर इज राजेश? राजेश किधर है? मैंने चिट्ठी लिखी थी. मेरे आने की खबर राजेश ने नहीं दिया क्या? ओह, शायद उसे यकीन नहीं हुआ होगा, इसीलिए सर आपको बताया नहीं उसने. आई ओ एन एपोलॉजी टू यू सर. सॉरी सर, आपके समझाने के बाद ही मेरा दिल बदला. उससे पहले तो मेरे अंदर ईगो प्रॉब्लम थी. दैट्स ऑल सर. हैवी कैजुअल्टी हुई है ना सर? बाय द वे, राजेश कहाँ है? वो उधर होगा शायद. Anyway, मैं वायरलेस से कांटेक्ट कर लूंगी. Now, let me get on to the job. मैडम, इन डेथ सर्टिफिकेट्स पे आप साइन कर दीजिए, बॉडी के साथ भेजना है. सर, वॉर फ्रंट में ज्वाइन किए हुए डॉक्टर को सबसे पहले मिला हुआ काम है डेथ सर्टिफिकेट पर साइन करना. कैजुअलिटी कितनी है? 7. 7. एक्सक्यूज मी. Da.
पति से बिछड़ने का, उम्र भर साथ लेकर चलने वाला ऐसा जख्म मिल गया। ऐसे जख्म को मेरा सलाम। इस युद्ध में शहीद होने वाले हर एक जवान के परिवार को जीने की शक्ति देना मां। जय हिंद। सर। यस। फ्लैग मीट का ऑर्डर आया सर, कल का। ओके सर। रज़ाक। सलमा। रज़ाक। गुड मॉर्निंग कर्नल साहब, हमारी तरफ से 6 हिंदुस्तानी फौजियों की बॉडी कबूल कीजिए। प्लीज साइन इट एंड गिव वन कॉपी टू मी। आई वांट टू सी द बॉडीज। विक्रम सर, बॉडी इंस्पेक्ट करो। सर सॉरी कर्नल, आई एम नॉट हियर टू वेस्ट माय टाइम। मैं यहां से बॉडी हैंड ओवर करने आया हूं, आप इस पर साइन कर दीजिए ताकि हम यहां से रुखसत हो सके। बाकी जो भी हुआ, I am not responsible for anything. Sir, please. Headquarters order hai sir, not to create any problem. Hell with the orders. जिनेवा समझौते के मुताबिक युद्ध भूमि में शत्रुओं को हमारे जवानों का शव शरीर टेक ओवर करने से पहले उनके शरीर पर किसी भी प्रकार की क्रूरता नहीं किया गया है, इसका सबूत दिलाना है। So चंगेज, I just want to see the bodies. That's all. रुक जाइए साहब, पेपर साइन करके जाइए। हट। Flag meet is over. Vikram! Sir! Flag meet is over. You can carry on now. Chalo! Farsi! Sir! Pak jawano ki bodies ko bhi unhe le jane ko kaho. Colonel Chengiz sahab, ye sab Pakistani faujiyon ki body hai. Aap check karke le jaiye. Ye sab Pakistani soldiers ki body thodi hai. Ye sab mujahideen hai. Yahan par pade hue ek ek Pakistani ke body par उनका आईडी कार्ड रखा हुआ है। खुद के देश के लिए युद्ध की हुए फौजियों को आतंकवादी करार देना, यह तुम्हारा संस्कार है। अगर इस सफेद झंडे की अहमियत नहीं होती तो यह अपने दोनों पैरों पर इस धरती पर मेरे सामने खड़ा नहीं होता। चंगेज, तेरी जगह पर आके मैं तुझे मारूंगा। उस दिन माफी मत मांगना। दूंगा नहीं। जाओ। चले साहब, चलो। फारसी सर, कब्र खोदवाने का इंतजाम करो। क्या तुम मैयत की नमाज पढ़ सकते हो? थोड़ा बहुत याद है सर, अगर हम सच्चे दिल से दुआ करेंगे तो वो जरूर सुनेगा सर। गेट मी सम पाकिस्तानी फ्लैग्स।
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي ونعمه يكافي مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أوصل بصحابي ما قرأناه من القرآن العظيم साहब जी, ये साहब को मेरे सामने मारा था, देखने से जोश आता है, आंखें फोड़ डालो इसकी। इस युद्ध का आखिरी झंडा गाड़ने का वक्त आ गया है। जीत का झंडा उन लोगों के सीने में गाड़ेंगे, ये भी महादेवन और उसकी बटालियन का वादा है। We'll be right back.
मुझसे सहन नहीं हो रहा। मेरी माँ, जॉन साहब, जॉन साहब, ठीक हो? ठीक हो? मेरी माँ, मेरी माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जॉन साहब, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मुझसे सहन नहीं हो रहा, जॉन साहब, मुझसे सहन नहीं हो रहा। मेरा हाथ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरा हाथ ला गया। अरे मेरी घड़ी, मेरी घड़ी, मेरी घड़ी उस हाथ में रह गई। मुझे वो घड़ी चाहिए। मेरा हाथ लेके आओ, मेरा हाथ लेके आओ। मेरी घड़ी है उसमें, मेरी घड़ी है उसमें। टाइगर फॉर दिस, व्हाट इज द लोकेशन, टाइम ओवर एंड रिक्वेस्ट फॉर थापा। ये ले तेरी घड़ी। ये घड़ी निकालो, ये घड़ी निकालो। अब तुम बांध लो, लौट के आने के बाद देना। रख लो, तुम्हें मेरी मेरी याद आती रहेगी। मुझे नहीं चाहिए ये घड़ी, तुम अपने हाथ में बांध लो। बांध लो, ले लो, मुझे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे पीने के लिए पानी दो। कुछ नहीं होगा। पीने के लिए पानी दो। साहब जी, मुझे पीने के लिए थोड़ा पानी दो। Get me a shot of morphine. साहब जी, I'm sorry. मुझे पीने के लिए पानी दो। हाथ दो मुझे अपना। Come on. पानी दो मुझे। मुझे पीने के लिए पानी दो साहब जी। साहब जी। सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है, मगर इतना आसान नहीं। हमें सोच समझ कर अटैक करना चाहिए। मैं तुम्हें पाकिस्तानी एरिया में घुसने का पीछे का रास्ता बताऊंगा। सर, ये काम फारसी अहमद अली खान को दीजिए। इफ यू अलाउ मी, वी विल डू दैट सर, वी विल डू दैट। तुम जितना सोचते हो उतना आसान नहीं है ये। सर, आई नो दैट। इंडियन आर्मी के मुस्लिम जवान ये कर दिखाएंगे सर। हम चाहे जीते या हारे सर, लेकिन लोग हमें इंडियन मुस्लिम कहने के बजाय इंडियन कहेंगे सर। तवारीख का ये सुनहरा अवसर हम किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहते हैं सर। अल्लाह ने चाहा तो हम जरूर जीतेंगे। आप देख लीजिएगा सर, पाकिस्तानियों को हम अपनी जान की बाजी लगाकर खदेड़ देंगे सर। वी विल डू इट सर, प्लीज अलाउ मी सर, प्लीज डू इट। नारा तकबीर, वंदे मातरम, कॉलम 65, टाइगर 461 ओवर। 61 ओके, ओवर। Continuous fire for 10 minutes until I tell you stop. Sir, as per your present position, it is risky. I know it is risky, but just fire. Over. Oh. Battle target, take your position. 2, 3, 5, tigers. Position, tango. साहब ने कुछ फौजियों को भेज दिया हमारी मदद के लिए।
चंगेज। वो तो भाग गया साहब। माफी मत मांगना, माफी नहीं दूंगा। नो मर्सी फॉर यू। ये उसके लिए है जो तुम्हारे जनरल ने नियमों को तोड़कर तुम्हारे ही देश के लिए लड़ने वाले अपने ही फौजियों के शवों को मुजाहिदीन करार देकर तुमने ठुकरा दिया था, उसकी है ये सजा। नोक वाले पत्थर से इसकी भी आंख फोड़ देते हैं सर, मुझे इसकी आंख चाहिए। नो, ये हम भारतीयों का संस्कार नहीं है। Let him have a soldier's death। मरने तक ये हमारा शत्रु है, लेकिन मर जाने के बाद ये अपने देश का हीरो है, हीरो। So Colonel Chengiz, with love from all Indians। सीज़फ़ायर का ऑर्डर आ गया सर। सीज़फ़ायर इज़ ओके सर। एलओसी से बढ़कर 17 किलोमीटर आगे जाकर हम लोग इस समय खड़े हैं सर। 1962 में, 65 में और 71 में इसी तरह सीज़फ़ायर का ऑर्डर दिया था। आई एम वेरी सॉरी सर, आई विल नॉट टेक दैट। व्हाट डू यू मीन भाई? आई डिडंट गेट यू। सर उस वक्त हमने हजारों जवानों की जान गंवाकर हम लोगों के इसी तरह 100-200 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर घुसने के बाद सीज फायर का एक और भी ऑर्डर हुआ था। युद्ध जहां से शुरू हुआ था वहीं पर लौट आने के लिए सर। 17 किलोमीटर वापस आने के लिए मेरे 13 जवानों ने अपनी जान गंवाई है। इतने कुर्बानी के बाद कब्जा की हुई जमीन हम उन्हें वापस देंगे तो शहीद हुए उन 13 जवानों की आत्मा श्राप देगी हमें। भाई, हमें मिलिट्री के रूल से चलना होगा। टेल मी सर, अपना झंडा यहाँ पर लहराना है या वापस लेके आना है? नाउ यू डिसाइड एंड गिव द ऑर्डर सर। आई
देश के लिए हमारे नौजवान शहीद होने में कभी पीछे नहीं रहे, इसलिए हमारे देश के सारे जवानों पर देशवासियों को गर्व है। जो भी फैसला होगा वो प्रधानमंत्री जी लेंगे। कर्नल साहब, मैं भारत का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहा हूँ। सबसे पहले देश के सपूतों को बहुत बहुत बधाई जंग जीतने के लिए। और रही बात जमीन की, इस दौरान आप जहाँ भी जिस जमीन पर भी खड़े हैं, वो जमीन हमारी है, वहीं पर झंडा गाड़ दो और कहीं तो घुसपैठियों से जय हिंद।